नमस्कार दोस्तों, आप सबके महाकाल की कृपा बना रहे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी शिवधाम के पर लेके जा रहा हूँ जो पूर्वांचल में मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। संभवतः कुछ लोग उनके बारे में जानते हों। तो चलिए मैं आपको, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं आज आप लोगों को इटहिया के पंचमुखी शिवधाम ले चलता हूँ जो महाराज उत्तर प्रदेश के महाराज जिले में निचलौर में स्थापित हैं या हैं, पहले से काफ़ी साल से यहाँ हैं। मैं आपको इटहिया पंचमुखी की कहानी भी बताऊंगा, यहाँ की क्या कहानी और क्या मानता है। इससे पहले मैं बता दूं, ये पड़ोसी राष्ट्र आपके नेपाल और पड़ोसी राज्य बिहार तक के लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। ये काफ़ी जागता शिव मंदिर है इटहिया पंचमुखी, और मैं आपको आज इन्हीं के बारे में बताऊँगा, इनकी क्या कहानी, इतना ये जागता कैसे क्या हुए। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये महाराजगंज की, जैसे मैंने बताया, महाराजगंज निचलौन में स्थापित है। निचलौन किसी समय में स्टेट हुआ करता था, ये राजा महाराजा का नगरी हुआ करता था। उस समय के राजा ऋषभ सेन जो थे, वो उनका ये क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ था और उनके पास एक नंदिनी नाम की गाय हुआ करती थी जो राजा को अति प्रिय थी, और राजा उसको सेवा करते थे और उसके दूध को ग्रहण करते थे और उसको काफ़ी सम्मान करते थे उस गाय नंदिनी का। वो नंदिनी गाय कुछ दिनों बाद जब जंगलों में आसपास चलने के लिए जाया करती थी अन्य गांव के साथ, तो वो खास करके जो इटहिया पंचमुखी शिव मंदिर है यहाँ पे अपने दूध को त्याग कर आने लगी। जब राजा को इस चीज़ के बारे में पता चला तो राजा इस घने जंगल में जाके वहाँ की साफ सफाई करा के खुदाई करवाए, तो वहाँ ये साक्षात शिव जी का पंचमुखी शिवलिंग निकला, जिसे राजा उस मग्न हो गए और भव विभोर होकर पूजा पाठ करने लगे वहाँ पे। ये बात अन्य प्रजा की बात को भी पता चले, वो लोग भी पूजा पाठ करने लगे, जिसके फलस्वरूप राजा को रत्न सेन नाम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो बाद में भीम ऋषभ सेन के बाद रथ सेन राजगद्दी पे बैठे हैं। उन्होंने भी अपने पिता की परंपरा को जारी रखा और यहाँ पे पूजा पाठ हमेशा और इस मंदिर का रखाव करते रहे, जिससे उनको काफ़ी अन्य युद्ध में जीत प्राप्त हुई और कई सारे उन्होंने कीर्ति स्थापित की इन्हीं शिव जी की कृपा से। तो ये बात अन्य लोगों को भी जब पता चली तो और यहाँ के लोगों में भी काफ़ी सम्मानता आने लगी और लोग काफ़ी खुशहाल होने लगे। यही यहाँ के कहानी हैं और यही प्रक्रिया आज भी लोग निभा रहे हैं, जो यहाँ पे जिस तरह से आप बाबा बैजनाथ में जानते हैं कि बैजनाथ जो बैजू थे उनकी गाय जाती थी यहाँ शिवलिंग पे चढ़ा देती थी, इसी तरह यहाँ पे भी राजा ऋषभ सेन की गाय जो नंदिनी थी यहाँ पे दूध चढ़ा देती थी। इसलिए इसे सेम काम तरीका होने की वजह से इसे मिनी बाबा धाम रहता है और भीड़ भी काफ़ी संख्या में यहाँ होती है और सोमवार के यहाँ पे जल चढ़ाने की अपार मानता है, जिसे लोग आज भी निभा रहे हैं। मैं चाहूँगा आप जरूर अगर यहाँ पे आए तो जरूर यहाँ इटहिया आए, महाराज जी में काफ़ी फेमस ही इटहिया शिव मंदिर पंचमुखी शिव मंदिर है, और यहाँ पे आने के बाद आपको एक अलग एनर्जी मिलेगी और आसपास का वातावरण इतना अच्छा है यहाँ का, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जंगल तो नहीं है लेकिन यहाँ जो नेपाल की नारायणी नदी है वहाँ से लोग जल ला के यहाँ पे चढ़ाते हैं। इसके अलावा पहाड़ का जो सुंदर दृश्य दिखेगा यहाँ पे, आसमान से बादल एकदम नज़दीक आपको दिखेंगे और सूर्य एकदम तेज नज़र आएगा, काफ़ी हरा भरा एरिया है और खास करके यहाँ पे तो इटहिया पंचमुखी दर्शन करने के बाद आपको अलग एनर्जी मिलेगी, आपके सारे दुख कष्ट कम हो, यही मेरी कामना है। और अगर आपको ये हमारा शिवधाम पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे खास बात कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हेल्थ संबंधित वीडियो बनाता हूँ, स्वास्थ्य संबंधित वीडियो बनाता हूँ, और इसके अलावा मैं जिस तरह से आपको ये भक्ति वीडियो भी बना लेता हूँ जब कहीं टूर पे निकलता हूँ, तो मैं चाहूँगा आपको जरूर ये वीडियो पसंद आया और आगे जरूर शेयर करें। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँगा। जय महाकाल। Check.